पाल, मैंने बच्चों के लिए ब्रेड जैम लगवा दिए, दोनों को ब्रेड जैम खिलाए थे, जब वो उठेगा उसको तब खिला दूंगी। पैकिंग भी करनी जाना है हमें, तू अपनी और इनकी पैकिंग कर ले, मेरा कंफर्म नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भैया सुबह सुबह हम मिलवा देते हैं कृष्णा से। कृष्णा भाई जल्दी उठ गया है लड़का, और उठने के बाद बोल रहा है पापा पापा। है चिकू कब उठाए? ये अभी हो गया, पहले मम्मा पहले उठा, मम्मा ने सुला दिया, फिर अब उठा है। शोर नहीं करते सुबह सुबह, मम्मा सो रही है चिकू। तू क्यों उठ गया भाई? तू रात को 4:30 बजे सोया था, अब भी उठाऊ? तो भाई ये वाला सेशन जो है ना, इसका बहुत ज्यादा फेवरेट है। जब भी ये यहाँ खेलता है ना, वहाँ जाके बैठ जाता है। आ जाओ कृष्णा, आ जाओ जल्दी, आओ आ जाओ बेटी, जल्दी उठ गया। चीकू कहना नहीं मानता यार ये तो। आजा बेटा। और मैंने बहुत अच्छा किया यहाँ पे ना, जैसे ऊपर शीशा लगा हुआ ना, यहाँ पे शीशा लगा हुआ था, पर उसके जो मतलब वो थे ना पेच वेच, वो थे, और वो इसको जोर से लगते चीकू, अगर मैं नहीं खोलता तो पता कट लग जाता मतलब। हाँ क्या हुआ? आ जाओ इधर आ जाओ चीकू, आप बुलाओ। कहना ही नहीं मान रहा चीकू ये तो। ये देखो शोर कर रहा है ये लड़का हमारा, शोर कर रहा है। शोर क्यों कर रहा है चीकू? पता कुछ सिग्नल दे रहा होगा। कोई सिग्नल नहीं दे रहा ये लड़का, हरकत ही क्या कर रहा है। जो कैमरे का ढक्कन है ना, उसको बार बार नीचे गिरा रहा है ये बाबा, वाह 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 नीचे गिरा रहा है। क्या हो गया गुदगुदी हो रही है। इस लड़के का काम देख लो, एक कैमरे के ढक्कन से खेल रहा है। बेटा इतनी सारी चीजें हैं तेरे पास खेलने के लिए, ये ढक्कन से क्यों खेल रहा है? ये देखो कभी यहाँ फेंक रहा है। बोल है ये, बोल है, है? ये लो ये बोल है, है? कृष्णा वेरी गुड, क्या क्या हरकत हो रही है ये। तो भाई अभी मैंने क्या सोचा ना, जिसमें बच्चे घूमते हैं ना बिठा के, नीचे घूमते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वोकर टाइप सा होता है, जो मुझे नाम नहीं पता अच्छे से। तो हमारे घर में 3-4 वो रखे हुए हैं, तो अभी बच्चे ना घूमते भी नहीं है, धूप भी बहुत ज्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ उनको ना बिल्कुल क्लीन करवा के, जो यहाँ पे हमारे नीडी बच्चे हैं, जो मतलब यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं जो लोग, मैं उनको जाके दिया हूँ, रेगुलर यूज में भी आ जाएंगे और उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो भाई यहाँ पे सुबह सुबह पहुंच गई है पूजा रानी, और यहाँ पे कृष्णा कह रहा है मैं गोदी में नहीं टिकूंगा। नहीं, 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 वो आपको देख के कर रहा है, पहले अच्छी तरह मेरे साथ खेल रहा था। क्या हो गया पापा? पसाना आज ये मेरी लाडली बेटी बन गई आजकल। ओह ओह, तो अभी भैया इसने नहाना है, तेल वेल लगा हुआ है, खुश आ चुका है, खुश हो गया। नहा ले तू हीरो, नहा लिया? तो भाई हमारा जादू कहाँ है, जादू को पकड़े जाके। तो भाई ये लड़का चलने का नाम नहीं लेता है। गोलू तू भी इतनी लेट चली थी क्या? मैं तो बेटे पैदा होते चल गई थी, और रह दो दिन में सारे में। क्या होगा बेटा चलना क्या हो गया? मैं बात नहीं सुन रही, सारे मोहल्ले वाले हैरान हो गए थे, यार इतना फास्ट कौन चल सकता है। अच्छा ये तो अलग ही लड़की है दुनिया की। यार गोलू ये तो एलर्जी होगी तेरी बहुत सारी। ये शूट पे जो हार नहीं पहना था, एक्चुअली क्या मेरी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव, रिंग्स पहनी थी तो मेरे यहाँ पे जैसे दांत टाइप का नहीं होता, ये यहाँ पे यहाँ और यहाँ हो गया। ये क्या होता है एक्चुअली, जो हार सब पहनते हैं ना स्वेटिंग होती है, तो वो मैं पहन लूँ ना तो मेरे को एलर्जी होती है। आगे से मत पहने किसी का, तेरे को आर्टिफिशियल सूट नहीं करता। जब भी तो ओरिजिनल ज्वेलरी पहनती है, चेन वगैरह तेरे कभी नहीं होता। हाँ। इसका मतलब तेरे को आर्टिफिशियल सूट नहीं करता। हाँ तो सही बोल रहे पूजा, तभी तो ये मुझे गोल्ड और डायमंड पहनाते हैं। अच्छा ऐसी कान में सुराख करवा दो इसके। हाँ कराना में तुबा का था, ये कह रहे दह करा दो। ठीक है करवा दो, तुबा तुबा करवा के लाते हैं चल। आज चले आज तुबा की पियर्सिंग करा दो, सही टाइम है ना पियर्सिंग का, एक साल के बाद में करानी चाहिए। सर्दियों में ना वो कहते हैं स्वेटर फंस जाता है तो उससे पक जाता है। अच्छा। और एक हफ्ते तक चने मत देना उसको खाने के लिए, बस बाकी ठीक करा दे आज। हाँ करा दो, मेरे वाले टॉप्स पहना दे। अच्छी सुंदर लग रही है। इसे काम देख रही है, भुजिया खा रहा है, बैग में से पैसे निकाल रहा है। बच्चों को नहीं पता ना बैग में ऐसे हाथ नहीं मारते, अपना बैग तो ऐसे हाथ नहीं मारते। आओ इधर आओ, चल के आओ, अब पापा पास आओ जल्दी आओ। कृष्णा सुन लिया कर भाई, मैं बुला रहा हूँ। सुन नहीं रहा यार ये लड़का, देख रही है अभी आएगा चल के। मैंने ना राम जी की फोटोज ना यहाँ रख दी, मैं अंदर घुसते अपना आराम से यहाँ दिख जाए, क्योंकि ना वहाँ रखी होती कोने में। आप तो वैसे भी सब जूते उतार के आते हैं तो बढ़िया है। आ जा बेटा आ जा, ये लो ये लो ये लो ये देख। नहीं नहीं ये बहुत स्लो चलता है, क्या भुजिया खाने दो। क्या मुझे डिस्टर्ब मत करो सुबह सुबह, गिरा मत दियो। ओहो ले भाई ले, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ी दी थी मुझे पता था तेरा। मैं क्यों लूंगी? किसी शक्ल ऐसे लग रहा है जैसे रो रही है। मारा मम्मी ने, मारा देखो मुझे बेटा, मारा शक्ल ही ऐसी। क्या हुआ क्या है? किसी शक्ल ही ऐसी है रोने। अच्छा इसकी तो बनी है शक्ल ऐसी, बहुत सुंदर काका ये देख रहे मेरा, बोल नहीं रहा है कुछ। सैड होगा
अच्छा तो भाई आज मैंने ना कैमरा चेंज कर दिया, तो पायल और गोलू कह रहे हैं हम ना उसी कैमरे से व्लॉग बनाएंगे। इसमें ना हमें थोड़ी सी ना वॉइस की क्वालिटी की दिक्कत लगती है, ऐसे है? हाँ सच बात है। और थोड़ा सा ना मतलब बाहर ठीक है, वो कैमरा से कभी एयरपोर्ट गए घुमाने बाहर ट्रैवल करने के लिए गए, बाकी ठीक है ये कैमरा बेस्ट है। घुमाने फिराने में दिक्कत होती है ना? हाँ घुमाने फिराने में कभी कभी ऊपर नीचे होता है, सिनेमैटिक टेक नहीं ले पाते, बहुत दिक्कतें हैं। हाँ बेटी क्या है? पृथ्वी हेलो, कोई हेलो नहीं, नाराज है नाराज। चाय हटाइयो, चाय गिराएगा, चाय मेरी पहली नजर। कृष्णा पोहा लेके आई है पूजा आज सुबह सुबह है पूजा, तभी कह रही है पोहा खाएगी। इसको खिला दे पोहा, पोहा देना थोड़ा सा, पोहा खाना बेटा। कृष्णा कृष्णा देखिए ना वहीं जाएगा, उसमें जाके बैठेगा जो मैंने कल फेवरेट है, मैंने सही किया ना। हाँ लग जाती है उसको, 200% लगती, इसलिए मैंने कल हटा दिया था। बच्चों को ना जो चीज पसंद है ना वो वहीं जाते हैं, उनको नहीं रोक सकते। तो भाई पायल की हाँ इसमें बैठता जाके देखो, जाके देखना शोपीस की शोपीस। हाँ मेरी बेटी यहाँ बैठा रहेगा बहुत देर तक, पता सही है ना। जा बेटा भाई को ले क्या, भाई भाई को लेगा भाई और पीछे। तो भाई बहुत ही कमाल का नाश्ता पूजा लेके आई अपने घर से, इनको पता है कि हम जल्दी नहीं उठते क्योंकि रात को लेट हो जाते सोते सोते, तो बढ़िया सा पोहा बना के लाई है। राजमा लाई हूँ चीकू के लिए, क्योंकि जब वो मेरे घर रहने आया था ना उसको बहुत पसंद आए थे राजमा, तो उसके लिए बना के लाई। तो भाई बच्चों को ना आदत हो गई इस साइड पे जाने की, यहाँ पे जाकर एक दूसरे को बोलते हैं झा झा, मैंने देखा मैंने देखा आपको। तो अभी मैंने अनु को देखा पीछे ना झाड़ू से खेल रहा है, और मेरे को देख के ना छुप रहा है, उसको लग रहा है मैं चली गई हूँ, अभी दिखाती हूँ। 1 2 3 जा, मैंने देखा आपको झाड़ू के साथ, मैंने देखा। बाहर आ जाओ जल्दी आ जाओ आजो ना। तो गाइस यहाँ पे तू बहुत चुकी है नहा धो के रेडी, बहुत ही प्यारी लग रही है, इतनी सुंदर बाबू बन गई है। मम्मी रो तू तो पाए बिंदा भाई, हंस रही है मम्मी देख के, इतनी प्यारी लग रही है फ्रॉक पहन के स्कर्ट पहन के सुंदर सुंदर। हाँ जी तो गाइस तीनों बच्चे नहा धो के एकदम रेडी हो गए हैं, तीनों बच्चों ने अपनी दही खा ली है, और ये चीज बहुत अच्छी है कि ना गर्मियों में ना बच्चे दही खाते हैं और दही खाना अच्छा भी होता है। और अब मैं ना ये करूंगी आज ना मैं ना घर पे दही जमाऊंगी बच्चों के लिए, क्योंकि घर की जो दही होती है ना उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो आज तो भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा चाय पीने का, तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए कॉफी बनाती हूँ, क्योंकि ना क्या चाय पीने का इच्छा ही नहीं हो रही है आजकल। तो मैंने अपनी चाय जो है ना बिल्कुल कम कर दी, पहले मैं दिन में 2-3 बार पीती थी, अब तो मैं एक बार भी नहीं पीती। सो गाइज यहाँ पर आ गया मेरा नाश्ता, पोहा और साथ में कॉफी, और कल से तबीयत थोड़ी सी बेटर है, ये नहीं बोल सकती पूरी तरीके से बेटर है, शक्ल ही बता रही होगी थोड़ी सी बेटर है। और गाइज सच में इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है ना कि ऐसे जी सा निकल रहा है, मतलब कि बाहर अब निकल नहीं सकती इतनी। और क्या जो हम जिस फ्लोर पे रहते हैं ना, हम तो 13th पे रहते हैं, तो यहाँ तो भाई पूछो मत। तो भाई आपको नींद नहीं आती, आपको नहाने करके नींद नहीं आती? तो गाइज बच्चे नहा चुके हैं, तो अभी गया अयान और तूबा सोने के लिए, तो जैदू मेरे पास बैठता है। मैं पोहा खा रही थी, मेरा चम्मच ले लिया, मम्मा को खिला दो। आ आ बहुत टेस्टी पोहा है, वाओ बहुत टेस्टी, दोबारा वाओ बहुत अच्छा खिलाता है सोना बाबू। तो गाइस अभी आनू नहीं सोया, अभी पता चला है सूत्रों के हवाले से कि मेरी जो तूबा रानी है वो भी नहीं सोई और जैदू भाई भी नहीं सोया। तो जैदू दीदी को खिला लो, आ ना बहुत टेस्टी था पोहा, खा के देखो कैसे पोहा, क्योंकि पोहा खिलाती हूँ ना तो पोहा नहीं खाते, और पोहा इतना टेस्टी बना, पूजा ने इतना टेस्टी बनाया ना, खा लो प्लीज। वही खा लिया, डायनासोर का है डायनासोर, देखो जैदू डायनासोर। अच्छा बाप तो भूखा है, भूख वेरी गुड, इससे सब कुछ पता है, बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा जैदू भूखा है, भूख। सो गाइस कल वाले ब्लॉग पे ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जैद को लेकर। तो पहला कमेंट है शिवानिया का, कृतिका जैद पर ज्यादा ध्यान दो, उसे इग्नोर करती हो आजकल, वो इतना चुपचाप रहने लग गया है। अरमान भी अब जैद को इग्नोर करता, तो ऐसा नहीं है, मुझे समझ नहीं आता गाइस हम बच्चों को क्यों इग्नोर करेंगे। कभी कभी ना ऐसी चीजें हो जाती है कि ना, जैसे अब मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ना तूबा जाग रही है, तो मैं तूबा के साथ हूँ क्योंकि वो जाग रही है। और कभी कभी क्या होता है कि ना जैद सो रहा होता है, अयान सो रहा होता है, तो पहले आप लोग कमेंट करते थे कि हम अयान को इग्नोर करते, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है जब भी हम ब्लॉग बना रहे होते थे ना अयान सो रहा था। तो ऐसा नहीं है, हम किसी बच्चे को इग्नोर नहीं करते, हम तीनों बच्चों से इक्वली प्यार करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट कमेंट है नवीन जी का, गोलू जैद को लेकर नानी के घर जाना चाहिए, तुम्हें रेस्ट मिलेगा, जैद को थोड़ी अटेंशन मिलेगी, वो अभी से ठीक से चल भी नहीं रहा, बैठ भी नहीं रहा, उस पर ध्यान दो। तो नवीन जी मैं बहुत ट्राई करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं जैद को चला सकूँ, वो चलता ही नहीं है, हम मैं उस पर जिद नहीं कर सकती, मैं जैसी कोशिश करती हूँ चलाने की ऐसे करने की, तो वो ना चलने की जगह ना भागता है, मतलब उसमें ना ठहराव से ही नहीं चलता। और देखो क्या ना, हमारे घर में एक साथ तीन बच्चे, तो तीनों बच्चे अलग अलग एक्टिव
एक्टिविटी करते हैं। किसी के घर में एक बच्चा होना तो वो इंसान को नॉर्मल लगे कि ठीक है बच्चा अपने टाइम से चलेगा। तो भाई सबकी अपनी अपनी हैबिट्स होती है, कोई बच्चा जल्दी कैच करता है। अब जैद ने पापा बोला था सबसे पहले, तो वही है ना सबका अलग अलग होता है। तूबा के दांत पहले आए थे तो सब बच्चों की अलग अलग एक्टिविटी। बोलते ना पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो ऐसे सारे बच्चे बराबर नहीं होते, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसको चलाने की कोशिश करूँ। आज आप देखना व्लॉग में मैं कितनी कोशिश करूंगी, पर वो नहीं चलता तो उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। तो भाई फाइनली आज हमने दिल्ली से बुला लिया है हमारे भाई विवी ऑप्टिकल को। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया जी। क्या चल रहा है जीवन में? बहुत बढ़िया चल रहा है। बहन कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। तो कुछ नया आने वाला है? यस। सरप्राइज? यस। भाई सरप्राइज आने वाला है? बिल्कुल। पायल जी क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है। तो भाई यहाँ पे देख रहे हो सारा डाइट का सामान नहीं है, ये सारा एक्स्ट्रा कैलोरीज है जो आज हम खाएंगे। आज कोई डाइट नहीं होगा, ठीक है ना भैया? ठीक है जी। और बताओ। तो भाई अभी अभी भाई के साथ एक मिसहैपनिंग हो गई। भाई का इंस्टाग्राम पे पेज था, वो इंस्टाग्राम ने उड़ा दिया है। तो उनका नया पेज है, बायो में लिंक है, जाके फॉलो कर लेना। बहुत ही कमाल का कलेक्शन रहता है, हमेशा मैं वहीं से कैरी करता हूँ चीजों को लेके। जी हमारे भी बहुत सारे गॉगल्स जो है वहीं से। भाई आप कमेंट करके जरूर बताना, चीकू मुझे पहले से पतला भी लग रहा है, लंबा भी हो गया। नहीं जी पापा। तो सोया था ये बताइए पहले? हाँ मेरे साथ सोया था, आप सुला के तो गए थे। सोया था? झूठ मत बोलियो। नहीं सच्ची। तो एक काम करते हैं, अभी हम चलते हैं पहाड़ों में नहाने, ठंडे पानी में नहाने। हम वही चले, ठीक है? तो अपना खाना वाना पैक करवा ले, वहाँ हम कैंपिंग करेंगे, ठीक है? कैंपिंग और रहेंगे भी। हाँ। तो भाई यहाँ पे तूबा आ गई है। तूबा से मिलने बहुत सारे लोग आए हैं, पर ये लड़की किसी से मिलके खुश ही नहीं है। इसको ये नहीं पता कि इसके नाम का ब्रांड बन गया रिबन कटने वाला है। ए चीकू इसको यही नहीं पता। तूने ये देखा कि तूबा के नाम से ब्रांड है, तेरे नाम से कुछ नहीं बनाया हमने? मेरे नाम से कुछ तो बनाया आपने, क्योंकि तू खुद ब्रांड है इसीके लिए। और ये हमारी जो ये काम करेंगे बेटा, आप आराम करोगे। अच्छा ये वर्कर है? ये मालिक है चीकू, हम वर्कर है, ठीक है? मैं सबसे बड़ा मालिक। ठीक है तो भाई मैं बता देता हूँ, तूबा कलेक्शन चल रही है, चीजें हो रही हैं, क्योंकि ना प्रोडक्शन में टाइम लग रहा था। और यहाँ पर हमारी बहन भी पहुंच गई है, तो ये आपको दिखने वाली है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में भी हम अपना एक आउटलेट बना रहे हैं, और वो भी कहाँ? पंजाबी बाग क्लब रोड पे। तो बहुत ही जल्दी आपको डेट बताएंगे, चीजें बताएंगे, वहाँ मिलने वाले। और हमें इतना टाइम इसलिए लग रहा है गाइस, क्योंकि हमें पता है जो भी चीज हम लॉन्च करेंगे ना उसे आप इतना ज्यादा प्यार देने वाले हो कि हम कितने भी पीस बना ले वो आउट ऑफ स्टॉक चले जाएंगे। इसीलिए हम ना वेयर हाउस में इकट्ठा कर रहे हैं माल दिखाने से पहले। तो अभी मैं लेके जा रहा हूँ भैया हमारी बहन को, तूबा कलेक्शन हम कहाँ बनाने वाले हैं, कितना एरिया है, क्या चीजें हैं। और गुरु चुप बैठी है? नहीं मैं चुप नहीं बैठी, जब सब बोलते तब मैं चुप रहती हूँ। अच्छा। क्योंकि जब मैं बोलते तो सब चुप रहते हैं ना, इसलिए। अरे भाई कितने चश्मे चेंज करेगा? एक और घर के आ रहे हूं। तो ये मुझे दे दे, मैं लगा लेता हूँ। भाई लड़की का चश्मा वश्मा लगा दिया भैया? चश्मा देना, एक सेकेंड लगा देती हूँ। तो भाई लू चल रही है, लू। ओहो कैसे लग रहा है? ये भी पूछने की जरूरत है, कैसा लग रहा है? थोड़ा सा शेड्स उसके लिए बड़ा है, इसके पास है रेबन की शेड्स, ऊपर संभाल के रखे। इसको ना कोल्ड हो रहा है गोलू। हाँ इसे कोल्ड हो रहा है, इसे कोल्ड हो जाता है जल्दी ना। दवाई तो दी थी बट वही है ना थोड़ा टाइम लगता है। तो भाई यहाँ पे नान साफ ही हो रही है तूबा के साथ, क्योंकि तूबा को शॉप पे नहीं ले गए तुम। तूबा इसलिए नहीं गई क्योंकि सुबह से उठी है, सोई नहीं है, बाकी दो भाई सो चुके हैं। सही करा नहीं ले, बार बता कितनी धूप है। जैको लेके गई ऐसे भागम भागी में आई, इतनी धूप इतनी धूप, मुझे भी इतनी स्वेटिंग हो गई, हम तो आ गए 45 डिग्री है। मैं ये सोच रही थी ऊपर पूल करके ना इसको पानी वानी भर देते और इनको नहला देते, क्या कहते हो? नहीं पूल ना सन सन में नहीं होना चाहिए, ऊपर से सन, नीचे से बच्चे नहाओगे ना सरद गर्म हो जाएगा। आराम से तूबा, आराम से बेटा। चलते तो भाई आज बहुत दिनों के बाद किचन में कुछ मजेदार सा बन रहा है, और ये बना रही है हमारी पायल मैडम। पायल मैडम क्या बना रही है बेटा? मैं बना रही हूँ आपके लिए हमसन पीटा ब्रेड। बढ़िया सा। तो भाई जिस भी हमारी बहन को डाइटिशियन का कोर्स कर रखा, खाना पीना बनाना आता है, तो बायो में धीरज भाई की इंस्टा आईडी है, आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत जरूरत है एक डाइटिशियन की जो खाना भी बना सके या फिर हम जो खाना बोले वो बना सके। तो गाइस घर में फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैं और गोलू जा रहे हैं सब्जी और फ्रूट्स लेने, क्योंकि फ्रूट्स के बिना गुजारा नहीं है, क्योंकि हमारे बर्ड्स भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, तो फ्रूट्स ले आते हैं। सो गाइस बच्चे चले गए ऊपर, जैदनाथ बहुत ज्यादा सोने की जिद कर रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था, ये दोपहर को सोया था आधा घंटा, इसकी नींद पूरी नहीं हुई। पर जो मैं तूबा आ गई है तो दोपहर 2 बजे से जाग रही हूं, अभी टाइम हो रहा है 7, ये सोई नहीं है। पर मुझे लग पता है कि तूबा का जो सोने का टाइम है ना वो फिक्स है, उसको 8 बजे आएगी नींद, 8 बजे से लेकर 10-10:30 बजे तक वो सोती है, फिर 10:30-11 बजे वो उठ जाएगी मैक्स 11 बजे तक, फिर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक वो रोज जागती है, फिर वो सोती है 2:30-3 बजे। जो हमारा अयान है वो क्या करता है, वो पूरा टाइम जागेगा, शाम को अपना खेलेगा, उसके बाद वो अपना 11-12 बजे सो जाएगा और सीधा वो सुबह उठेगा। और जो जैद है वो भी सेम तूबा जैसा है, उसकी नींद भी ऐसी है, वो शाम को अब सो गया है तो अब वो सोएगा सीधा रात को 1 बजे। पाल मैंने बच्चों के लिए ब्रेड जैम लगवा दिए, ठीक है? तो एक काम करते ऊपर चलते हैं, दोनों को ब्रेड जैम खिलाते, जब वो उठेगा उसको तब खिला दूंगी, पैकिंग भी करने जाना है हमें। तो गाइस आज मैं ना दूसरे वाले कैमरे से अपनी व्लॉगिंग कर रही हूं, दिखा देती दूसरा वाला कैमरा है, तो इसमें ना मेरा ये वाला हाथ दर्द हो रहा है, तो ये वाला कैमरा है, नहीं तो मैं छोटे कैमरे से व्लॉगिंग कर रही थी ना, तो इस कैमरे से क्या ना थोड़ा हैवी है ना, तो हाथ दर्द हो रहा था। मैं ये चीज सोच रही हूँ पाल सुन, कि तू चली जा चीकू के पापा के साथ, क्योंकि भाई मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे को ऐसे वॉमिटिंग
ऐसा लगता है, ऐसा ना फ्लाइट में जाके मेरी तबियत और खराब हो जाए। तो एक काम कर तू अपनी और इनकी पैकिंग कर ले, मेरा कन्फर्म नहीं है। अगर मेरे को लगेगा जाने में तबियत अगर ठीक लगी तो चल लूंगी, दो जोड़ी कपड़े अपने निकाल लूंगी, बाकी तू अपना और इनका ही ऑलमोस्ट पैक कर। तो फिर अब उठेंगे तो इनसे पूछ के करती हूँ जो करना। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर ब्रेड जैम हो गई है रेडी। तो गाइज ऊपर आई हूँ, ऊपर आके तो नजारा कुछ और ही है। यहाँ पे बच्चे इतना एंजॉय करे, इतना बड़ा पूल है, मेरा मन कर रहा है मैं बच्चों के साथ बैठ जाऊँ, बट मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। मैं दानी से फूफा कह रही हूँ, वाह तूबा, फूफा बोल दिया मम्मा ने आपको, फूफा आनू कितना एंजॉय कर रहे हैं। जैद की कमी है, जैद सो रहा है, जैद होता ना वो भी कितना एंजॉय करता पानी में, क्योंकि वो अभी तक इतने बड़े टब में बैठा नहीं है। उसकी नींद वैसे भी कम उठ जाएगा वो। नहीं आंटी को बोल जब उठेगा ना, मैं एक्चुअली क्या गाइस, जो बच्चों का जो रूम है ना उसके यहाँ पे स्टैंड्स लगे हुए हैं, और वो जो पाइप पानी पानी पी रहे हैं। नहीं आनू हम भी करते थे ऐसा, हम भी करते थे। तो गाइस हमारा जो रूम है ना उसके जो स्टैंड है ना, शांति से गल्ला करती पास से, शरारती है भाई बच्ची, शरारती है, मजा आता है। सही ऐसी शांति, जितना तुमने पानी डाला ना इतने पानी के लायक है, पानी नहीं आ रहा तो भरेंगे। नहीं बाबू ज्यादा नहीं भरेंगे, इतना ही ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रही है, फिर आ रही है, ब्रेड जम खा रही है, फिर सिम कर रही है। बच्चों को ना पानी में भूख भी लगती है। तो गाइस हमारे बच्चों का जो रूम है उसका जो स्टैंड है पूरा निकल चुका है, तो आंटी को वहाँ बिठा कर आई हूँ कि ना जैसे ही कोई बच्चा उसके ऊपर खड़ा होगा ना वो स्टैंड आएगा नीचे और बच्चा आएगा धार नीचे और लग जाएगी मुंह के ऊपर। अभी चीकू के पापा करेंगे गुस्सा कि घर में इतने लोग हैं कि बावजूद ही बच्चा कैसे गिर गया जब हमें पता था। चलो पहले तो दांत नहीं था, दांत भी आए, दांत टूट गया, तो दांत मुंह पे लग गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो तुम अपना आराम से आंटी बैठो और ध्यान रखो, आ रही है खा रही है फिर जा रही है। तो भाई अभी बस बच्चों का टॉवल मंगवा लिया क्योंकि ऊपर चल रही है थोड़ी थोड़ी हवा और बच्चों को हल्का हल्का कोल्ड है। मैंने क्या कोल्ड ना हो जाए, ऐसे तो मौसम बिल्कुल ठीक है बट फिर भी इनको 5-6 मिनट हो गए नहाते नहाते, इसका मन निकल रहा है। देखो 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 कितनी खुशी मिल रही है भाई, ये इतनी खुशी, देखियो 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 लोट फोट हो रहे नीचे, देखियो पागल हो रहे, पागल हो जाएंगे, पागल हो गई है, पागल हो जाएंगे पानी के अंदर, बिल्कुल पागल हो गई लग रहा है पानी में। तूबा तो अभी ना पायल ना तूबा को लेने के लिए जा रही, देखती हूँ आती की नहीं आती। तू चलो बाहर निकलो, चलो चलो नाशी निकलो, ओ भाग गई भाग गई, पत्थर की पानी में वहाँ भाग गई, मछली बन गई। चलो बाहर आओ बेटी, बाहर आ जाओ। गोलू हमारे यहाँ बैंगन आया है, बड़ा ही अलग सा बैंगन है, बैंगन थोड़ी लग रहा है, बैंगन है, पीला बैंगन हो गया, पड़ा पड़ा। अच्छा बैंगनी से पीला हो गया। चल कोई नहीं, खेल चलो, चलो हो गया तुम्हारी, हो गया नाना, चलो चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। नहीं सुनते, जादूगर गोगा आ गया, जादूगर गोगा अपने घर। हाँ ये टावल बहुत प्यारा है।